जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विजय जीएस अवर फैमिली में। दोस्तों आज का जो हमारा चैप्टर है वो धार्मिक आंदोलन के पार्ट टू अर्थात जैन धर्म पे। हालांकि इसके पहले हमने पार्ट वन अपलोड कर दिया जो कि बौद्ध धर्म पे था। चलिए दोस्तों समझते हैं जैन धर्म के बारे में। आपकी जानकारी हुए बता देते हैं, जैन शब्द संस्कृत भाषा के जिन शब्द से निकलता है, जिन शब्द का अर्थ विजेता या जितेंद्री है। जैन धर्म के ये प्रवर्तक तीर्थांकर कहलाते हैं। ये तीर्थांकर जितेंद्री और ज्ञानवान महापुरुष थे जिन्होंने जैन धर्म के प्रचार प्रसार में योग दिया था। क्लियर है। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, तीर्थांकर का मतलब होता है, तीर्थांकर का मतलब होता है महात्मा। क्लियर है। जैनों का विश्वास है कि उनका धर्म 24 तीर्थांकरों अर्थात महात्माओं के उपदेश का परिणाम है जो सभी क्षत्रिय थे। क्लियर है। तो हमने बताया कि जैन धर्म के कुल 24 तीर्थांकर या महात्मा हुए थे। तो कौन कौन से वह 24 तीर्थांकर हैं? ऋषभदेव, अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन, सुमतिनाथ, माँ पद्म प्रभु, सुपार्श्वनाथ, चंद्र प्रभु, सुविधिनाथ, शीतलनाथ, श्रेयांशनाथ, वसुपूज, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुमगुंथनाथ, अरहन, मल्लिनाथ, मुनि, सुव्रतनाथ, नमिनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थांकर महावीर स्वामी थे। हालांकि इन्हें याद करना तो बहुत कठिन है, लेकिन हमें सिर्फ उन्हीं को याद करना है जो कि हमारी परीक्षाओं में लाभदायक साबित हो सकते हैं। चलिए दोस्तों आप समझते हैं कि हमें याद कितने तीर्थांकरों को याद करना है, पहले, 23वें, 24वें। तो बात करते हैं पहले तीर्थांकर की। तो पहले तीर्थांकर ऋषभ देव थे। इन्हें संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है। इनका प्रतीक चिन्ह याद रखिए रहेगा, सांड है। 23वें तीर्थांकर पार्श्वनाथ है और इनका प्रतीक चिन्ह सर्प है, जो कि 24वें तीर्थांकर महावीर स्वामी हैं और इनका प्रतीक चिन्ह सिंह है। एक चीज़ आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज करते होंगे कि अगर प्रश्न पूछे कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है, तो वास्तविक आ जाए तो महावीर स्वामी को देना है आंसर। अगर सिर्फ संस्थापक पूछता है तो ऋषभ देव को आंसर देना है। क्लियर है दोस्तों। चलिए दोस्तों समझते हैं महावीर स्वामी के प्रारंभिक जीवन के बारे में। क्लियर है। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थांकर हैं। क्लियर है, हमने अभी भी बताया। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व बिहार के कुंडल ग्राम में हुआ था। एक चीज़ आपको बता देते हैं, कोई कोई किताब में 599 ईसा पूर्व भी मिलेगा। क्लियर है, तो आप लोग घबराइएगा नहीं। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम जो था त्रिशला था। त्रिशला वैशाली के लिच्छवंशी राजा चेतक की बहन थी। महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था। इनका गोत्र जो था कश्यप और वर्ण ज्ञातिक था। क्लियर है। महावीर का विवाह जो है कुंडिल गोत्र की कन्या यशोदा से हुआ था। एक चीज़ आपको बता देते हैं, इन्हें एक पुत्र की भी प्राप्ति हुई थी। वो किस ग्रंथ में लिखा गया है? जैन ग्रंथ आचारांग। क्लियर है। जैन ग्रंथ आचारांग के अनुसार उनके एक पुत्र भी उत्पन्न हुई थी जिसका नाम अड़ोज्जा या प्रियदर्शना था। क्लियर है। तो अगर प्रश्न पूछता है कि वर्धमान यानी महावीर स्वामी की पुत्री का क्या नाम था, तो प्रियदर्शना या अड़ोज्जा देना है। चलिए दोस्तों समझते हैं कि महावीर स्वामी के अंदर वैराग्य की भावना कहाँ से जगी, कैसे जगी, किस तरीके से उनकी वैराग्य की भावना रही। चलिए, ये है 24 तीर्थांकरों का इमेज। जो पहले तीर्थांकर हैं वो है ऋषभदेव और 23वें तीर्थांकर हमने बताया था क्या है, पार्श्वनाथ और 24वें महावीर स्वामी, जो कि वास्तविक संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। क्लियर है। तो चलिए दोस्तों समझते हैं वैराग्य की भावना कहाँ से इनमें जगी। 30 वर्ष की अवस्था में जब इनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया। क्लियर है। तो उसके बाद वर्धमान ने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर संन्यास धारण कर लिया। कब धारण कर लिया था? 30 वर्ष की अवस्था में। क्लियर है। उन्होंने 12 वर्ष तक, कितने वर्ष तक? उन्होंने 12 वर्ष तक घोर तपस्या की। आचारांग सूत्र है, एक ग्रंथ है, तो आचारांग सूत्र में वर्धमान की कठिन तपस्याओं का उल्लेख किया गया है। उसमें ये बताया गया है कि वे नंगे और गृह विहीन होकर भ्रमण करने लगे, मतलब शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था। क्लियर है। लोग उन्हें मारते और चिढ़ाया करते थे। वे बिना किसी बात की
परवाह किए अपनी साधनाओं में रत रहे। यहाँ तक कि लाड़ में क्लियर है वहाँ के निवासियों ने उन पर कुत्ते छोड़े, उन्हें वे डंडे से पीटते और उन पर लात बरसाते, परंतु रणभूमि के सेनानायक की तरह यह सब कुछ सहन किया। किसने? महावीर स्वामी यानी वर्धमान ने। क्लियर है? किसके लिए? ज्ञान की प्राप्ति के लिए। समझ में आया? क्लियर है दोस्तों? और एक चीज़ ध्यान देते दीजिएगा आप, इन्हें केवल यानी ज्ञान की प्राप्ति कैसे कहाँ हुई? क्लियर है? तो ध्यान दीजिएगा, वर्धमान ने आरंभ में कुम्हार नामक ग्राम में यानी कुम्हार नामक ग्राम में एक वर्ष एक माह तक वस्त्र धारण करके तपस्या की। तत्पश्चात उन्होंने वस्त्रों को सुवर्ण बालुका नदी में फेंक दिया, यानी 13 माह बाद उन्होंने वस्त्रों का त्याग कर दिया। क्लियर है? और नग्न अवस्था में रहने लगे। क्लियर है? तो इतना समय 12 वर्ष की, क्लियर है, 12 वर्ष की कठिन तपस्या में लीन वर्धमान के शरीर में जीवित कीट सरीसृप आदि भी लपट जाते थे, किंतु उन्होंने अपनी तपस्या का परित्याग ही नहीं किया। क्लियर है? 13वें वर्ष, क्लियर है, कब है? 13वें वर्ष में उन्हें ऋजपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे, क्लियर है, केवल यानी ज्ञान प्राप्त हुआ। तभी से वे अर्हत कोष्टक में पूज्य, जिन कोष्टक में विजेता, क्लियर है, और निर्ग्रंथ यानी बंधन रहित तीर्थांकर और महावीर कहलाए। क्लियर है? जैन शब्द जिन से बना है, यही कारण है कि महावीर के अनुयायी जैन कहलाए। क्लियर है? और ध्यान दीजिएगा, जिनके आधार पर ही महावीर के अनुयायी क्या कहलाए थे? जैन कहलाए। महावीर के द्वारा चलाया गया धर्म जो था वो जैन धर्म के नाम से जाना जाता है। क्लियर है दोस्तों? इसके बाद महावीर ने अपना प्रथम उपदेश जो था राजगीर में कौन सी भाषा? पाली भाषा में दिया था। महावीर के अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता था और महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जमालित बने थे। क्लियर है? महावीर ने भिक्षुओं को पंच महाव्रत करने का उपदेश दिया, लेकिन ये पंच महाव्रत बहुत ही कठिन थे। इनका पालन करना गृहस्थों के लिए संभव ही नहीं था, इसलिए महावीर ने गृहस्थों को पंच अनुव्रत करने को उपदेश दिया था। पंच अनुव्रत कौन कौन से हैं? हालांकि ये ज़्यादा कठिन नहीं होते हैं, जैसे अहिंसा यानी हिंसा नहीं करना, क्लियर है, अमृषा झूठ नहीं बोलना, क्लियर है, आचार्य चोरी नहीं करना, अपरिग्रह संपत्ति अर्जित नहीं करना, ब्रह्मचर्य, क्लियर है, जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। क्लियर है दोस्तों? ये याद रखे रहिएगा कि जैन धर्म के कितने रत्न हैं? 3 रत्न हैं। कौन कौन से? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। क्लियर है? जैन साहित्य कल्पसूत्र जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसकी भाषा संस्कृत और इसकी रचना जो है भद्रबाहु ने किया था। ये इमेज में देख रहे हैं, ये कल्पसूत्र है जो कि जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। क्लियर है? इसकी रचना किसने की थी? भद्रबाहु ने की थी। क्लियर है? और जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा हुए, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, उदयन और चंदेल शासकों ने भी जैन धर्म को माना। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही प्रथम जैन संगीत का आयोजन पाटलपुत्र में किया गया था और यहीं से जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया। कौन कौन से? दिगंबर, दूसरा श्वेतांबर। दिगंबर मतलब जो व्यक्ति नग्न रहने वाले थे उसे दिगंबर कहते, मतलब वो अपने शरीर पर कोई भी वस्त्र नहीं धारण करते थे। श्वेतांबर का मतलब होता है वस्त्र धारण करना, यानी अपने शरीर पर वस्त्र धारण करते थे और जैन धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। चंदेल शासकों ने ही खजुराहो में प्रसिद्ध जैन मंदिरों का निर्माण कराया था। ये है प्रसिद्ध जैन मंदिरों का मंदिर जो कि किसने कराया था? चंदेल शासकों ने कराया था। और दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण चालुक्यों यानी सोलंकियों ने करवाया था। आप इमेज में देख रहे हैं, ये दिलवाड़ा का जैन मंदिर है जिसको सोलंकियों ने करवाया था।
क्लियर है। 72 वर्ष की आयु में यानी महावीर स्वामी जब 72 वर्ष के हो गए तो उनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी में हो गई थी। क्लियर है, अर्थात महावीर स्वामी स्वर्गवास को चले गए। क्लियर है, क्लियर है। बौद्ध धर्म जैन धर्म में कुछ अंतर है, इसको याद रख लीजिएगा, जो कि परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार विदेशों में हुआ। क्लियर है, यानी बौद्ध धर्म भारत में नहीं विदेशों में, क्लियर है, इनका प्रचार प्रसार हुआ। आपकी जानकारी अगर जानते हैं, जो अशोक थे यानी मौर्य साम्राज्य के जो अशोक थे, सम्राट अशोक, उनकी पुत्री जो है पुत्र संघमित्रा और महन जो है श्रीलंका प्रचार प्रसार के लिए गए थे, किसके, बौद्ध धर्म के। क्लियर है, जबकि जैन धर्म का भारत तक ही सीमित रहा, यानी जैन धर्म जो है भारत तक ही सीमित रहा। क्लियर है, अर्थात विदेशों तक इसका प्रचार प्रसार नहीं हो पाया था। जैन धर्म के ग्रंथों को अंग तथा बौद्ध धर्म के ग्रंथों को त्रिपिटक कहा जाता है। जैन धर्म में घोर तपस्या को शुभ माना जाता है, यानी जैन धर्म में अगर जो व्यक्ति अपनाया है जितना घोर तपस्या करता है, क्लियर है, उसको उतना ही शुभ माना जाता है। क्लियर है, जबकि बौद्ध धर्म में तपस्या का विरोध किया गया, यानी आप उतना तपस्या मत कीजिए। क्लियर है, अपने आप को स्वस्थ रखिए, भोजन करिए, भोजन करके ही तपस्या कीजिए, उतना कीजिए जितना आपके लिए लाभदायक हो। इतना नहीं है कि आप इतना तपस्या कर दें, इतना तपस्या करते कि आपका शरीर ही नष्ट हो जाए, ऐसा नहीं है। तो बौद्ध धर्म में तपस्या का विरोध किया गया है, जैन धर्म में घोर तपस्या को शुभ माना गया है। नोट आप याद रखिए, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र जो है श्रवण बेलगोला में स्थित है। क्लियर दोस्तों, इस तरीके से दोस्तों आज का जो हमारा ये चैप्टर है वो खत्म होता है। कल मैं फिर आपके सामने एक नए चैप्टर के साथ प्रस्तुत होऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।